नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। रोजाना बिहार की 10 प्रमुख खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को फॉलो करना ना भूलें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार के 11 शहरों में बीएड नामांकन प्रवेश परीक्षा 6 जुलाई को, बनाए गए 325 केंद्र। बिहार में अब बरसात के बाद होगा नगर निकाय चुनाव, तैयारी में जुटा आयोग, जाने किन वजहों से हुई देर। अररिया में बिना कोविड डोज लिए ही एडीजे दंपति को आया सर्टिफिकेट, एएनएम निलंबित। बिहार में निर्माण से जुड़े विभागों की योजनाओं की होगी मॉनिटरिंग, मोबाइल ऐप वामिस 1 जुलाई से करेगा काम। बिहार की हवा अन्य प्रदेशों से कम खतरनाक, पहली बार राज्य के पीएम 2.5 की होगी रासायनिक जांच। बिहार में मिले कोरोना के 114 मरीज, पटना में पाए गए 57 पॉजिटिव, राज्य के 21 जिलों में नए संक्रमित। शिक्षा मंत्री ने यह माना, बिहार में सेशन लेट चल रहा है, कहा इसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। बीपीआरओ को मिलेगा सरकारी योजनाओं में राशि खर्च करने का पावर, जल्द मिलेगी कैबिनेट की मंजूरी। 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन 6 जुलाई को होगा। परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक पूर्व निर्धारित केंद्रों पर ली जाएगी। पूर्व में निर्गत प्रवेश पत्र, समय एवं अन्य सभी दिशा निर्देश यथावत रहेंगे। बता दें कि पहले यह परीक्षा 23 जून को होनी थी, जिसे कुलाधिपति के आदेश पर स्थगित कर दिया गया था। राज्य के 11 शहरों में आयोजित होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त हो, इसे लेकर शुक्रवार को कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने संबंधित जिला के डीएम, अधिकृत अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की। कुलपति ने कहा कि लनामिमी यह परीक्षा लगातार तीसरी बार आयोजित करने जा रहा है। उन्होंने सभी अधिकारी से कहा है कि आप लोगों ने पूर्व में भी परीक्षा को कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण आयोजित करने में मदद की है। उन्होंने अपेक्षा जताई कि इस वर्ष सहयोग मिलेगा। कुलपति के साथ ऑनलाइन बैठक में 9 जिला के डीएम, अधिकृत पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में अनुपस्थित रहे जिले मधेपुरा एवं मुंगेर के डीएम, अधिकृत पदाधिकारियों से कुलपति के निर्देश पर राज नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने दूरभाष से बात कर सहमति प्राप्त कर ली। राज्य में नगर निकायों का चुनाव अब बरसात के बाद कराए जाएंगे। ज्यादातर संभावना इस बात की है कि चुनाव अक्टूबर नवंबर में कराए जाएं। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने आयोग को चुनाव की तैयारी करने को हरी झंडी दे दी है। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने भी इसकी पुष्टि की है। राज्य में सभी नगर निकायों का कार्यकाल इसी माह समाप्त हो चुका है, इस लिहाज से जून माह में ही चुनाव कराया जाना चाहिए था, लेकिन अंतिम समय में नए नगर निकायों का गठन और मतदाता सूची व वार्डों के गठन में विलम्ब की वजह से ऐसा संभव नहीं हुआ। अब बरसात में चुनाव कराने से कई तरह की परेशानी होगी। ऐसे में सरकार अक्टूबर नवंबर में चुनाव कराने का मन बना चुकी है। फिलहाल चुनाव पूर्व की तैयारी के क्रम में नगर निकायों के वार्डों के गठन का काम पूरा किया जा रहा है। इस बार राज्य में कुल 248 नगर निकायों का चुनाव कराया जाना है। राज्य के नगर निकायों में से 13 का कार्यकाल 2022 में पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में इन 13 नगर पालिकाओं में चुनाव अगले वर्ष कराया जाना है। सरकार ने राज्य में 176 नए नगर पालिकाओं का गठन किया है। जिन निकायों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, वहां नगर आयुक्त तथा कार्यपालक पदाधिकारी जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। जनप्रतिनिधियों को मिलाकर समिति गठित करने पर फैसला नहीं हुआ है। अररिया स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। इस बार लापरवाही ऐसी कि न्यायाधीश और उसकी पत्नी को बगैर डोज लिए ही न केवल दोनों के मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से सफलतापूर्वक प्रिकॉशन डोज लेने की सूचना प्राप्त हुई है, बल्कि आरोग्य सेतु ऐप पर बकायदा दोनों का सर्टिफिकेट भी जारी हो गया। फिर क्या था, न्यायाधीश ने जब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के साथ जिला प्रशासन के इस लापरवाही को लेकर पत्राचार किया तो एएनएम पर दोषारोपण करते हुए उसके ऊपर निलंबन की गाज गिर गई। दरअसल पूरा मामला अररिया सिविल कोर्ट के एडीजे सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव धीरेंद्र कुमार और उसकी पत्नी रश्मि कुमारी को एसएमएस के माध्यम से कोविड का प्रिकॉशन डोज लेने की सूचना के साथ आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ, जबकि एडीजे धीरेंद्र कुमार और उसकी पत्नी ने डोज लिया ही नहीं है। बिहार राज्य में सभी निर्माण योजनाओं की मॉनिटरिंग नए मोबाइल ऐप वामिस यानी कि वर्क्स अकाउंट्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से होगी। इस ऐप के माध्यम से भवन निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग,
पीएचईडी, ग्रामीण कार्य विभाग और पथ निर्माण विभाग में 1 जुलाई से कामकाज की शुरुआत हो जाएगी। इसमें कार्य विभागों के राज्य भर के अधिकारी अपने क्षेत्र की योजनाओं से संबंधित रियल टाइम अपडेट अपलोड करेंगे। साथ ही अधिकारी विभिन्न योजनाओं के स्थल निरीक्षण के दौरान कार्यस्थल से ही परियोजनाओं के संबंध में जरूरी सूचनाओं को अपलोड करेंगे। इन सूचनाओं में काम की प्रगति, मशीन और श्रम बल की उपलब्धता, जियो टैग, फोटो आदि शामिल होंगे। इसका मकसद परियोजनाओं की समस्याओं को दूर कर तय समय पर निर्माण कार्य पूरा करना है। सूत्रों के अनुसार सभी कार्य विभागों में नई तकनीकी से कामकाज के लिए वामिस सॉफ्टवेयर के साथ साथ वामिस ऐप भी तैयार किया गया है। बिहार की हवा अन्य राज्यों की तुलना में कम खतरनाक है। इसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ के पीएम 2.5 में उद्योगों से निकलने वाली रासायनिक तत्व बहुत कम मात्रा में पाया जाना है। इससे फेफड़ों तक पहुँचने वाले यह कण कम विषाक्त हैं। हालांकि रासायनिक तत्वों की मौजूदगी की जानकारी के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रक पार्षद ने पटना, मुजफ्फरपुर और गया के पीएम 2.5 की जांच का निर्णय लिया है। इन शहरों के पीएम 2.5 की रासायनिक जांच करवाने के लिए पार्षद ने इसका नमूना मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी को भेजा है। इसकी रिपोर्ट 2 सप्ताह में आएगी। अन्य राज्यों और देशों के पीएम 2.5 की जाँच का विश्व बैंक से अनुरोध किया गया है। बिहार में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 100 से अधिक नए मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान कुल 114 नए संक्रमित मिले हैं, जिनमें पटना जिले में सर्वाधिक 57 मरीज शामिल हैं। गया जिला दूसरे स्थान पर रहा, जहां पर 15 नए संक्रमित मिले हैं। नए संक्रमित 21 जिलों में मिले हैं। अरवल में 2, बांका में 3, बेगूसराय में 2, भागलपुर में 3, भोजपुर में 1, दरभंगा में 1, कैमूर में 3, कटिहार में 4, खगड़िया में 1, किशनगंज में 2, मुंगेर में 1, मुजफ्फरपुर में 3, पूर्णिया में 1, रोहतास में 7, सहरसा में 1, समस्तीपुर में 1, सारण में 1, सीतामढ़ी में 1, सिवान में 2 और अन्य राज्यों को 2 लोग संक्रमित मिले हैं। 156,353 सैंपलों की जांच की गई। राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 491 हो गई है, जिसमें से 380 संक्रमित होम आइसोलेशन में हैं। पटना में गुरुवार को 57 नए कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं 24 घंटे में 12 कोरोना मरीज स्वस्थ भी हुए, जिनकी कोविड जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। इसके साथ ही जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या 309 तक पहुँच गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर विभा कुमारी सिंह ने बताया है कि कोविड वार्ड में भर्ती मरीज खतरे से बाहर हैं। जो भर्ती हैं उनको पहले से पुरानी बीमारी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल द्वारा बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए जाने के बाद अब शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने अपने सफाई पेश की है। विधानसभा पहुंचते ही पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया और संजय जायसवाल के बयान पर सवाल दाग दिए। इस पर विजय चौधरी ने कहा कि हमारे विश्वविद्यालय में सत्र नियमित करने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि इसका सबसे ज्यादा खामियाजा छात्रों को ही भुगतना पड़ता है। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि सब लोग जानते हैं कि शिक्षा विभाग पूरी तरह सजग है। हमने हमेशा प्राथमिकता कक्षा और परीक्षा को ही दी है, ताकि छात्रों को कोई दिक्कत न हो। गौरतलब है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने गुरुवार को बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि अग्निपथ योजना पर पुनर्विचार की सलाह देने से अच्छा होगा कि आप 3 साल में छात्रों का ग्रेजुएशन करा दें। हर बार उनका सेशन लेट कर दिया जाता है, जिसके कारण उनकी शिक्षा प्रभावित हो रही है। पंचायतों में विकास केवल इसीलिए रुकी हुई है क्योंकि बीपीआरओ को अब तक वित्तीय अधिकार नहीं दिया गया है। इसका परिणाम ये है कि पैसा उपलब्ध होने के बाद भी विकास कार्य नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब पंचायती राज विभाग ने बड़ा निर्णय किया है। दरअसल अब पंचायत राज पदाधिकारियों को गेजेटेड अफसर का दर्जा दिया जाएगा, जिससे उन्हें वित्तीय अधिकार तो मिलेगा ही, साथ ही वो राशि खर्च कर सकेंगे, जिससे विकास योजनाओं को गति मिलेगी। पंचायती राज विभाग के प्रस्ताव पर अब जल्द ही कैबिनेट की मुहर लगने वाली है। आपको बता दें कि अभी केवल बीडीओ ही ये राशि खर्च कर सकते हैं, लेकिन उनके पास प्रखंडों की कई प्रशासनिक जिम्मेदारी भी होती है, जिसके कारण वे पंचायती राज विभाग की योजनाओं पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। पिछले साल मॉनसून सत्र में पंचायती राज विधेयक पारित हुआ था। इसके तहत कानून बनाकर डीडीसी और बीडीओ को पंचायती राज विभाग के काम से मुक्त किया गया था। उसके तहत डीडीसी की जगह उप सचिव का अधिकारी पदस्थापित होना है, जो मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी कहा जाएगा। इसके लिए जिला स्तर पर डीडीसी की जगह बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के पद सृजित किया जा रहा है। वहीं बीडीओ की जगह पंचायती राज पदाधिकारी को प्रखंड स्तर की जिम्मेवारी मिलेगी।
बिहार राज्य के 36 जिलों में किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति होगी। इसके लिए चयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। समाज कल्याण विभाग की ओर से किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के संबंध में निर्णय लेने के लिए प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्ड गठित होता है। इसमें प्रधान मजिस्ट्रेट व संबंधित जिले में दो सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य रहते हैं, जिनमें कम से कम एक महिला को रखा जाता है। विभाग ने वर्तमान में 36 जिलों में किशोर न्याय बोर्ड में सदस्य के रिक्त पदों पर सामाजिक कार्यकर्ताओं के चयन के लिए आवेदन मांगा है। विभाग के मुताबिक किशोर न्याय बोर्ड के सामाजिक सदस्य के रूप में चयन के लिए इच्छुक संबंधित जिले के निवासी कागजात को ऑनलाइन भी भेज सकते हैं। अगर किसी तरह की तकनीकी दिक्कत हो तो विभाग को ईमेल भी कर सकते हैं। इच्छुक व्यक्ति कर सकेंगे आवेदन। इच्छुक व्यक्ति 11 जुलाई की शाम तक आवेदन कर सकते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों की आयु 30 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष होती है, जिसकी गणना 1 जून से की जाएगी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा बिहार के सभी जिलों में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए वर्ष 2014 में वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन 8 साल बाद भी ये बहाली अब तक पूरी नहीं हो पाई है। हजारों अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आयोग के तरफ से इस बारे में कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया जा रहा है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने बिहार के विभिन्न विभागों हेतु 13,120 पदों के लिए प्रथम इंटर स्तरीय बहाली के लिए जून 2014 में विज्ञापन निकाला था, लेकिन 8 साल बाद भी ये बहाली पूरी नहीं हो पाई है। मजबूरन अब छात्र 28 जून को BSSC कार्यालय गेट पर आंदोलन करने जा रहे हैं। आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करना ना भूलें।